तुम इधर क्या कर रहे हो? ए हटो, कहा तुम आ सही जाओ? वो हम सब सॉरी बोलने आए थे आपसे। सॉरी मास्टर साहिब, प्लीज। देखिए क्या है कि हमको मालूम है कि हमारी वजह से आपको, आपके फैमिली को, छुटंकी को बहुत तकलीफ हुआ है, बहुत बदनामी हुआ है, थाना पुलिस का चक्कर लग गया है। लेकिन यकीन करिए, हम सब अपने काम के लिए बहुत शर्मिंदा है। हाँ जी, बहुत ही शर्मिंदा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? बाहर निकलो, गेट आउट, निकलो बाहर यहाँ से। सर सर देखिए, हम जानते हैं कि हमारे सॉरी कहने से आपका दुख दर्द दूर नहीं हो जाएगा, लेकिन इतना है कि हमारे माफी मांगने से अगर आपको 5% का भी गुड फीलिंग हुआ ना सर, तो हमको तसल्ली मिल जाएगा। जब से बॉबी भैया जेल से आए ना, तब से बहुत ही बैड फीलिंग कर रहे हैं। रह रहे के ना बस एक ही बात कह रहे हैं कि चलिए मास्टर जी के घर उनसे और उनकी फैमिली से माफी मांग लेंगे। और छुटंकी से? हाँ हाँ, छुटंकी से भी। सर देखिए, जेल में ना हमको एक जागृति हुआ, हमारी आंखें खुल गई, हमको ऐसा लगा कि हमने बहुत मिस्टेक किया, हमारा जो बिहेवियर था वो गुड नहीं था, वो बैड था। आप तो मास्टर हैं, हमरे जैसे कितने स्टूडेंट का जिंदगी सवार हैं आप, हमें भी अपना स्टूडेंट समझ के माफ कर दीजिए सर। बॉबी भैया, वो वाली बात तो बोलिए, वही वाली। हाँ, ये क्या है कि अब इंसान जिंदगी में किससे लड़ाई झगड़ा करता है ना, उसी से ना लड़ाई झगड़ा करता है जिससे उसको सबसे ज्यादा प्यार है। सही कह रहे हैं, वो फिल्म सीतम जानम में एक डायलॉग है ना, जिससे प्यार उसी से तकरार। बिल्कुल सही बात। अरे हम यहाँ सीरियस बात कर रहे हैं, तुम अपना फिल्म का डिस्कशन लगा रहे। सर देखिए, हम जानते हैं कि हम छुटंकी के साथ बहुत बदमाशी किए हैं, बहुत बदनाम किए, हम पोस्टर लगाए, ई किए, ऊ किए, लेकिन हम काहे किए? काहे कि कहीं ना कहीं हम जानते हैं हमारे दिल की गहराई में कि हम छुटंकी को बहुत पसंद करते हैं। हमारे इजहार करने का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन हम सच कह रहे हैं, हम बहुत पसंद करते हैं छुटंकी को। गॉड प्रॉमिस सर। सर हम छुटंकी को बहुत पसंद करते हैं, हमको बहुत अच्छी लगती है सर, मेरा यकीन मानिए, हम उसको कोई भी तकलीफ नहीं होने देंगे, कोई परेशानी नहीं होने देंगे, रानी बना के रखेंगे उसको। उसको जो करना है वो करे, उसको जैसा करियर चुनेगी हमको मंजूर है, फुल फ्रीडम, बोल चाल, ऐसन पैसन, हम पूरा सपोर्ट करेंगे।